दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा दूर, आप देख रहे हैं डॉक्टर सीरीज। मैं आज चर्चा करने वाले हैं एक नए विषय पर। पिछली सीरीज में मैंने आपको बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फंगीसाइड के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आपको चैनल पर विजिट करना चाहिए। चैनल पर लगभग 200 वीडियो डले हैं जिनमें खेती के पूरे तरीके हैं, शुरू से लेके जुताई से लेके बेड बनाना, मल्चिंग चढ़ाना, कब कौन सी दवाई डालना, टमाटर की खेती, मिर्च की खेती, फूल गोभी की खेती, बंद गोभी की खेती, जो जो खेतियां मैंने की हैं उनके वीडियो मैंने बना के डाल दिए हैं। जिन जिन दवाओं का मैंने प्रयोग किया है, उत्पादन बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर डोज है, हेलीकॉप्टर डोज कौन अलग अलग फसलों की है, खीरा की अलग है, टमाटर की अलग है, मिर्च की अलग है, और जो बकाया है उनकी भी मैं जानकारी दे दूंगा इसी सीरीज के तुरंत बाद। और फंगीसाइड, जितने फंगीसाइड मैंने लगभग यूज किए हैं उनमें दो चार बाकी होंगे, बाकी मैंने जो अच्छे अच्छे हैं और जिनसे रिजल्ट अच्छे आते हैं उनकी मैंने जानकारी दे दी। क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं और शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़ा बाजार हम उठा के लाते हैं और उसके बाद एक के बाद एक हम उपयोग करते हैं। काफ़ी समय बाद हमें पता चलता है कि ये इतना बेकार था और इसने सही काम किया। तो एक सलाह मैं आपको अपनी तरफ से हमेशा देना चाहूँगा कि जब भी कोई काम करें तो किसी चीज़ को पूरी फसल में ट्राई मत करिएगा। अगर कोई नई चीज़ डाल रहे हैं, जैसे पहले से अगर आपने डाला है उसको फसल में दिया है और आपको मालूम है कि ये काम करेगा, तब तो पूरी में डालना सही होता है। पर जब नई चीज़ मार्केट से लाई जाती है, जब हमें जानकारी नहीं होती, हमें किसी के द्वारा जानकारी मिलती है, मैंने दी, किसी ने दी, दुकानदार ने दी, किसी ने भी आपको कोई जानकारी दी, और हम क्या करते हैं कि पूरी फसल में उसको डालते हैं, उसके बाद हमें ये मालूम नहीं चलता कि ये रिजल्ट इसने दिया या जो हमने अभी एक हफ्ते पहले डाला था उसने रिजल्ट दिया है या अभी दो दिन में जो डाल रहे हैं उसका परिणाम है। तो पहले उसको थोड़े में ट्राई करिएगा। जब कोई भी नई चीज़ लेके आए हैं तो उसको पहले कुछ एरिया में ट्राई करिएगा, बाकी में आप वही यूज करिएगा जो आप पहले से करते आ रहे हो, भले ही आपकी फसल परेशान हो। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, देखिए ज़्यादा ज्ञान तो मेरे पास है नहीं और लोगों से जुटा के मैं बता नहीं सकता आपको। ज़्यादातर ये होता है कि सीखते सीखते हमें बहुत समय निकल जाता है और जब हम सीख रहे होते हैं तो हमारा बहुत सारा नुकसान होता है। बहुत सारी जानकारियाँ बहुत जगह से हमें मिलती हैं और जब हम सबकी सब उसको यूज करते जाते हैं तो बहुत दिन बाद हमें पता चलता है कि सही क्या है। और उस सही तलाशने के चक्कर में, सही रिजल्ट के चक्कर में, जब तक हमारी फसल बैठ जाती है और कई हजार रुपए का कीटनाशक और फंगीसाइड हम डाल चुके होते हैं, अंत में नतीजा ये निकलता है कि जितनी हमने लागत लगाई थी उससे कम या उसके बराबर या थोड़ा बहुत ज़्यादा हमने पैसा कमा पाया। ज़्यादातर लोग पहली साल 100 लोग जब इस रेस में शुरू करते हैं खेती में, तो समझिए 100 में 50-60 तो पहली बार एक बार खेती करते हैं, लोग छोड़ देते हैं, दोबारा नहीं करेंगे। ऐसा मैं जब से खेती कर रहा हूँ तब से देखता आ रहा हूँ, मेरे यहाँ बहुत लंबी भीड़ लगती है, लोग आते रहते हैं, मैं कितना भी मना करूँ पर आते हैं। नतीजा वही निकलता है, 100 आए एक आदमी मुश्किल में मिलेगा जिसने सफल हुआ, बाकी टाइम खा खुके और चले गए, अपना भी टाइम बर्बाद किया मेरा भी। देखा आदमी देखता है, चीज़ें दिखती हैं, खेती दिखती है, उससे आकर्षण पैदा होता है, लगता है यार हम भी करेंगे, और जब करता है तो मैंने देखा कि लोगों से घास नहीं साफ हो पाती, या वो एक बार मार्केट गया, इस दुकान पूछा, उस दुकान पूछा, यार ये दवा नहीं मिली, फिर आदमी सोचता है यार ये तो मिलती ही नहीं है। देखिए जब कोई काम हम करते हैं तो आपको उसके लिए उतनी ज़्यादा मेहनत, उतनी ज़्यादा लगन, उतनी ज़्यादा जानकारी और चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। खेती कोई तुक्का सा ही विषय नहीं है कि जो मैंने बताया और आपके खेत में 100 में 100 वैसा ही हो जाए, क्योंकि मेरे यहाँ से आपके यहाँ तक खेत, मिट्टी, हवा, जलवायु और काम करने का तरीका और जानकारी और पौधे की समझ सब कुछ बदल जाता है। कहीं से भी आप कोई चीज़ जानकारी लेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको बदली मिलेंगी। तो बताने वाले में और आपके काम करने के तरीके में फ़र्क हो सकता है, मिट्टी में फ़र्क हो सकता है, आपने जो बीमारी जो मैंने बताई और आपने क्या समझ ली उसमें भी फ़र्क हो सकता है। तो अगर आप सही परिणाम चाहते हैं तो आपको दूसरे से केवल एक आइडिया लेना चाहिए
बाकी पूरा का पूरा दिमाग आपको अपना लगाना चाहिए। जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे पूरी तरह सफल नहीं होंगे। और बहुत सारी चीजें जो मैं बता रहा था कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, और ऐसी मिल जाएंगी कि अगर आपके पास कम जानकारी है तब आपको पूरे सिस्टम से, जैसे मिर्च की खेती है, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की पूरी दवाई, कौन दवाई कब कितने समय डालना है, क्या मिलाना है, बैगन में क्या डालना है, क्या मिलाना है, खीरे में, बहुत सारी फसलें हैं जिनके बारे में मैंने डिटेल से जानकारी दी है। और वीडियो, लेकिन मेरा हर कोई भी वीडियो शायद आपको 10-15 मिनट से ऊपर ही का मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास टाइम हो, जानकारी हो, तब वीडियो को देखिएगा, समझिएगा तो पूरा समझ जाएंगे। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है कीटनाशक की जानकारी। जितनी कीटनाशक मैंने जिन जिन फसलों में यूज की हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं इस बीच और बता दूँ कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आप आर्गेनिक बताइए। तो देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, और मैंने कई बार किया कि मैंने आर्गेनिक खेती नहीं की है। एक बार मैंने आर्गेनिक खेती करने की कोशिश की, ट्राई की, मैं उसमें सफल नहीं हुआ। बहुत सारा मेरा अपना नुकसान हुआ और बहुत सारा मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिला, तो मैंने उसको एक बार करने के बाद छोड़ दिया। बहुत सारी लागत लगाई और सब कुछ आल हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आई। आपको आ रही हो तो आप अन्य कई जगह से जानकारियां ले सकते हैं, पर मेरे पास टोटल आर्गेनिक खेती की कोई जानकारी नहीं है। आर्गेनिक खेती करने के बाद कुछ चीज़ें मुझे ज़रूर समझ में आई कि ये इस खेती में फ़ायदा है, तो मैं जो भी करता हूँ सब सड्डम गड्डम करता हूँ, और यही मेरा अपना तरीका है। तो मैं जो बता पाऊँगा आपको अपने तरीके से बता पाऊँगा। जीने मरने से डर लगना, जहर से मुक्ति, ये वो सब इस तरह की, मतलब जो चीज़ मुझे जानकारी नहीं है वो मैं नहीं दे सकता, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। और झूठ मूठ का मुझे बोलना या बकना आता नहीं है। मेरे पास कम समय है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारियाँ दे के और इस काम से फ्री होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब जो आपको जानकारी मिलेगी वो कीटनाशक की मिलेगी, और अगर कीटनाशक की जानकारी चाहते हैं तो लगातार आप 15-10-12 वीडियो जो भी होंगे उनमें जानकारी दे दूँगा। सिस्टम क्रम ऐसा बना दूंगा कि जैसे कीटों का जो विज्ञान होता है उसमें एक चबाने वाले कीट होते हैं, कुछ रस चूसने वाले कीट होते हैं, और कुछ जड़ों में लगने वाले, कुछ तने में लगने वाले कीट होते हैं, कुछ फलों में, जैसे फल छेदक, तना छेदक होता है, रूट बोरर होता है, जड़ों में लगता है, रस चूसक होता है जो फलों का भी रस चूसता है, पत्तियों का ज़्यादा चूसता है। बस 2-3 वेराइटी 4 वेराइटी ये होती हैं। तो किस तरह की कीट है, किस तरह का पौधा हरकत करता है, उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ कब डालनी हैं, कैसे डालनी हैं, मैंने जो डाली हैं मैं वो आपको बता दूंगा। बाकी तो मार्केट इतना बड़ा है कि मैं एक दुकान की दवाओं के बारे में बताऊंगा तो कम से कम एक दुकान में 200 कंपनियों की 2000 दवाइयाँ रखी होती हैं, तो पूरी साल लग जाएगी, मैं कीटनाशक के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। पर कौन से कीट में कौन कौन सी दवाइयाँ काम करती हैं सीधे सीधे ये बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो इस आगे की सीरीज को प्लीज ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर विजिट करिएगा। कमेंट करने, परेशान होने से अच्छा है कि आप चैनल पर विजिट करें। देखिए, मेरे पास, मैं हमेशा कह देता हूँ, जैसे मेरा मैं व्यस्त होता हूँ बाकी चीज़ों को मैं दरकिनार कर देता हूँ। मेरा काम मेरे टारगेट पर होता है, तो मैं फोकस अपने काम पर करता हूँ, और जैसे ही मैं काम पर फोकस करूँगा आपको ये जानकारियाँ देना बिल्कुल कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं आपको कब तक देता रहूं, कब तक ना दे पाऊं। तो जो है आपके लिए उपयोगी है आप उसमें जाके आराम से देखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए। नमस्कार।